भारत में वैसे तो कई चमत्कारी व अद्भुत मंदिर हैं, लेकिन तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर कई लोगों की आस्था का केंद्र है। कहा जाता है हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, जहां असंभव को भी संभव किया जा सकता है। लेकिन इस मंदिर के चमत्कार के आगे वैज्ञानिकों ने भी अपने घुटने टेक दिए हैं। तमिलनाडु के तंजौर में स्थित यह शिव मंदिर बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस विशाल मंदिर को हजारों टन ग्रेनाइट से बनाया गया है और इसे जोड़ने के लिए न तो ग्लू का इस्तेमाल किया गया है और न ही सीमेंट का। फिर सोचने वाली बात है कि इस मंदिर को आखिर किस चीज से जोड़ा गया है, तो आपको बता दें कि मंदिर को पजल सिस्टम से जोड़ा गया है। यह अपनी भव्यता, वास्तुशिल्प और केंद्रीय गुंबद से लोगों को आकर्षित करता है। बता दें, इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर भी घोषित किया है। इसका निर्माण चोल शासक राजा राज चोल प्रथम ने करवाया था। उनके ही नाम पर इसे राज राजेश्वर मंदिर का नाम भी दिया गया है। यह अपने समय के विश्व के विशालतम संरचनाओं में गिना जाता था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर में स्थापित विशाल भव्य शिवलिंग को देखने पर उनका बृहदेश्वर नाम सर्वथा उपयुक्त लगता है। इस मंदिर की रचना और इसके गुम्बद की रचना इस प्रकार हुई है कि सूर्य इसके चारों ओर घूम जाता है, लेकिन इसके गुम्बद की छाया धरती पर नहीं पड़ती है। सबसे आश्चर्य करने वाली बात यह है कि इतने ऊंचे मंदिर के गोपुर के शीर्ष पर करीब 80 टन वजन का वह पत्थर कैसे रखा गया जिसे कैप स्टोन कहते हैं। उस दौर में क्रेन वगैरह तो थी नहीं। ये कैप स्टोन एक ही विशाल पत्थर को काटकर बनाया गया है। आश्चर्य यह भी है कि उस दौर में मंदिर के लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में एक भी ग्रेनाइट की खादान नहीं थी। फिर कैसे और कहां से ये ग्रेनाइट यहां लाए गए होंगे? अगर आप इस मंदिर को ध्यान से देखेंगे तो लगेगा कि शिखर पर सिंदूरी रंग पोता गया है या रंगा गया है, लेकिन यह रंग बनावटी नहीं है, बल्कि पत्थर का प्राकृतिक रंग ही ऐसा है। यहाँ का प्रत्येक पत्थर अनूठे रंग से रंगीन है। जैसे जैसे आप मंदिर की परिक्रमा करेंगे, आपको यहाँ की दीवारों पर विभिन्न देवी देवताओं और उनसे जुड़ी कहानियों के दृश्य को दर्शाती हुई मूर्तियाँ मिलेंगी। यह मंदिर वास्तुकला, पाषाण व ताम्र में शिल्पांकन, चित्रांकन, नृत्य, संगीत, आभूषण एवं उत्कृष्ट कला का बेजोड़ नमूना है। यहाँ एक विशाल काय चबूतरे के ऊपर विराजमान नंदी की प्रतिमा अद्भुत है। यहाँ स्थित नंदी की प्रतिमा भारतवर्ष में एक ही पत्थर को काटकर बनाई गई नंदी की दूसरी सर्वाधिक विशाल प्रतिमा है। 25 टन वजन की मूर्ति 16वीं सदी में विजयनगर शासन काल में बनाई गई थी। नंदी मंडप की छत नीले और सुनहरे पीले रंग की है। इस मंडप के सामने ही एक स्तंभ है जिस पर भगवान शिव और उनके वाहन को प्रणाम करते हुए राजा का चित्र बनाया गया है। 13 मंजिला इस मंदिर को तंजौर के किसी भी कोने से आप देख सकते हैं। मंदिर की ऊंचाई 216 फुट है। संभवतः यह विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर है। आश्चर्य की बात यह है कि यह विशालकाय मंदिर बगैर नींव के खड़ा है। बगैर नींव के इस तरह का निर्माण संभव कैसे है? चेन्नई से 310 किलोमीटर दूर स्थित तंजावुर का यह मंदिर कावेरी नदी के तट पर हजारों सालों से अविचल और शान से खड़ा है। मंदिर में प्रवेश करते ही 13 फीट ऊंचे शिवलिंग के दर्शन होते हैं। शिवलिंग के साथ एक विशाल पंचमुखी सर्प विराजमान है जो फनों से शिवलिंग को छाया प्रदान कर रहा है। भारत को मंदिरों और तीर्थ स्थानों का देश कहा जाता है, लेकिन तंजावुर का यह मंदिर हमारी कल्पना से परे है। कहते हैं बिना नींव का यह मंदिर भगवान शिव की कृपा के कारण ही अपनी जगह पर अडिग खड़ा है। गौर से देखने पर लगता है कि यह पिरामिड जैसी दिखने वाली महाकाय संरचना है, जिसमें एक प्रकार की लय और समरूपता है जो आपकी भावनाओं के साथ प्रतिध्वनित होती है। कहते हैं कि इस मंदिर को बनाने का आइडिया चोल राजा को श्रीलंका यात्रा के दौरान सपने में आया था। इस मंदिर के चारों ओर सुंदर अक्षरों में नक्काशी द्वारा लिखे गए शिलालेखों की एक लंबी श्रृंखला देखी जा सकती है।
इन शिलालेखों में कुल 23 विभिन्न प्रकार के मोती, हीरे और माणिक की 11 किस्में बताई गई हैं। दुनिया में पीसा की मीनार सहित कई ऊंची संरचनाएं टेढ़ी हो रही हैं, लेकिन यह मंदिर आज भी सीधा बना हुआ है। मंदिर के गुंबद को 80 टन के एक पत्थर से बनाया गया है और उसके ऊपर एक स्वर्ण कलश रखा हुआ है। चूंकि यह मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है, इसलिए गर्मियों में यहाँ चिलचिलाती धूप रहती है, जबकि मानसून में हल्की बारिश होती है। इसलिए यहाँ दर्शन करने का सबसे अच्छा समय सर्दियों का माना जाता है। यहाँ पहुँचने के लिए तंजावुर का प्रमुख निकटतम शहर तिरुचिरापल्ली है, जो कि निकटतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन दोनों है। आसपास के सभी शहरों से आसानी से परिवहन के साधन तंजावुर के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। प्रार्थना वो बंधन है जो भक्त को भगवान से जोड़ता है। जिस विधाता ने हमें जीवन दिया, उस पर हम बार बार न्यौछावर हो तो भी कम है। श्रद्धा की इस यात्रा में हमारे साथ रहिए और विश्वास कीजिए, ईश्वर को पाना ही मनुष्य का परम लक्ष्य है और किसी लक्ष्य तक पहुंचना यात्रा के बिना संभव नहीं। नमस्कार।